प्रस्तुत उपन्यास हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य से संकलित सादगी काव्य संग्रह के हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है, जिसकी रचयिता, जिसकी कवित्री छायावाद की एकमात्र प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में महादेवी वर्मा जी ने हिमालय के प्राकृतिक सुंदरता का सजीव चित्रण वर्णन किया है। इनकी कविता जो पाठ है, हे चिर महान, हे चिर महान, ए आस्वर्ण रस्म छू स्वेत भान, बरसा जाती रंगीन हास, हे चिर महान, हे चिर महान, चिर, हे हिमालय, तुम सदियों महान हो, अविनाशी, अच्छे, अनवरत, हे हिमालय, तुम सदियों महान हो, तुम्हारा बर्फ से ढके हुए श्वेत मस्तक का स्पर्श करने के पश्चात इस सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं, या स्वर्ण रस्म, स्वर्ण रस्म मतलब होता है स्वर्णिम किरणें, स्वर्णिम किरणें, छू, छू माने स्पर्श करना, श्वेत, श्वेत माने सफेद, और भाल माने होता है मस्तक, अब बरसा जाती रंगीन हास, हास माने हंसी, हे हिमालय, तुम सदैव महान हो, बर्फ से ढके हुए तुम्हारा श्वेत मस्तक का स्पर्श करके ये सूर्य की सुनहली किरणें हंसने लगती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चारों तरफ से यह प्रकृति क्या कर रही हो, प्रसन्नता से हंस रही हो, झूम रही हो, प्रसन्नता का अनुभव कर रही हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू ही मनिधान, हे चिर महान, हे चिर महान। सेली बनता है इंद्रधनुष, सेली माने पगड़ी, सेली माने पगड़ी, परिमल, परिमल माने होता है सुगंध, बतास माने हवा, वायु, रागहीन माने बैराग, हे हिमालय, तुम्हारा रंग बिरंगा, तुम्हारा रंग बिरंगा, इस सेली पगड़ी देख के ऐसे लगता है, तुम्हारा रंग बिरंगा इंद्रधनुष रंग देख के लगता है कि जैसे तुम्हारे सिर में सुंदर सी पगड़ी अर्थात सेहरा बांध दिया गया हो। सेहरा माने पगड़ी, जो दूल्हे राजा लोग बांधते हैं ना, वही पगड़ी। परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान, हे हिमालय, ये सुगंधित हवाएं तुम्हारे शरीर में सुगंधित वातावरण से मलमल जाता बतास, हे हिमालय, तुम्हारे शरीर में ये हवाएं सुगंधित मादक जो पदार्थ होते हैं, सुगंधित पदार्थों का लेपन कर देती हो, ये जो हवाएं चल रही है ऐसे प्रतीत होता है कि मानो तुम्हारे शरीर में लेपन कर रहे हो, सुगंधित रूप से इसे क्या कर रहे हो, लेपन कर रहे हो, हे हिमालय, पर रागहीन तू ही निधान, इतने के बावजूद भी हे हिमालय तुम उदासीन हो, इतने सम्मान के बावजूद भी तुम क्या हो, उदासीन हो, नब में गर्वित झुकता नसीस, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुल से भार, कितने मृद कितने कठिन प्राण, हे चिर महान, हे चिर महान। जिस समय नभ, नभ माने आकाश, गर्वित माने गर्व, शीश माने सिर, हे हिमालय, तुम आकाश में सिर ऊंचा किए हो, गर्व के साथ अपने आन बान ठाट के साथ बिल्कुल खड़े हो, और झुकता न शीश, तुम्हारा शीश, तुम्हारा सिर किसी के भी सामने कभी झुकता नहीं, पर अंक लिए हो दीन छार, हे हिमालय, एक तरफ तो तुम इतनी कठोर हो, दूसरी तरफ तुम दीन हीन, छार माने मिट्टी,
दीनहीन मिट्टियों को भी अपने गोद में समाहित किए हो, अपने गोद में समाहित किए हो। मन गल जाता नत विश्व देख तन सह लेता है कुल इस बार, कितने मृद कितने कठिन प्राण। मन गल जाता संसार के व्यक्तियों को अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन क्या होता है, द्रवित हो जाता है, पिघलने लगते हो। नत विश्व देख संसार के व्यक्तियों को अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा क्या होता है, मन जो होता है पिघलने लगता है। तन सह लेता है पुलिस भार, हे हिमालय तुम्हारा शरीर कठोर से कठोर भार को भी सहन करने की सामर्थ रखता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, एक तरफ तो इतने तुम कठोर हो, दूसरी तरफ अंदर से कोमल हो, बिल्कुल एक जिस तरह नारियल होता है अंदर से बिल्कुल सजल होता है ऊपर से कठोर होता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण।